वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तीन तरह के होते हैं, केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल। ये ऐसे हथियार हैं जो एक ही समय में लाखों लोगों की जान ले सकते हैं और इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज हम इनमें से दो हथियारों को चुनेंगे, केमिकल और न्यूक्लियर वेपन, और देखेंगे कि कौन ज़्यादा खतरनाक है और तबाही के मामले में कौन किस पे भारी है। सो लेट्स सी कौन है वर्ल्ड्स डेडलीएस्ट वेपन। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। हमारा ऑफिशियल स्टोर बलिदान कुछ समय के लिए बंद है, तो आप वहाँ से कोई भी परचेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इंतज़ार करें। अगर आपको परचेस करना है तो कुछ समय बाद स्टोर खुल जाएगा और इसी चैनल पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। हथियार दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कन्वेंशनल वेपन्स और दूसरे होते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। कन्वेंशनल वेपन्स में गन्स, मॉर्टर्स, शेल्स और नॉर्मल बॉम्ब्स आते हैं। वहीं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऐसे वेपन्स होते हैं जिनसे बहुत बड़ी तबाही मचाई जा सकती है, जिनसे लाखों लोगों की जान एक ही बार में ली जा सकती है और जिसका इफेक्ट जनरेशन दर जनरेशन बना रहता है। तो मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियार तीन तरह के होते हैं, न्यूक्लियर हथियार, बायोलॉजिकल हथियार और केमिकल हथियार। इन तीनों को एक साथ मिलिट्री एक्रोनिम में कहा जाता है NBC, यानी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार। तो यहाँ से हमने ये समझा कि न्यूक्लियर हथियार और केमिकल हथियार दोनों ही वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं। न्यूक्लियर हथियार बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उसके डिस्ट्रक्शन का एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जिस भी एरिया में न्यूक्लियर वेपन गिरता है वहाँ पर मौजूद वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, फिर चाहे वो कोई लिविंग बींग हो या नॉन लिविंग बींग्स जैसे कोई फिजिकल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर हथियार के गिरने से एक पूरे शहर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और उस शहर में मौजूद हर बिल्डिंग भस्म होकर राख बन सकती हैं और वहाँ पे मौजूद लिविंग बींग्स या इंसानों की तो बात छोड़ ही दीजिए। एग्जांपल के तौर पे जब हिरोशिमा के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया गया था तो जहाँ न्यूक्लियर बम गिरा था उसके आसपास लगभग पूरे हिरोशिमा शहर के जितने भी बिल्डिंग्स थे वो सारे मलबे में तब्दील हो गए थे, यानी कोई भी एक खड़ा बिल्डिंग नहीं बचा था। सिर्फ एक ही खड़ा बिल्डिंग दिखाई देता था उस पूरे एरिया में जो कि बम गिरने से काफ़ी पास था, और वो भी इसलिए क्योंकि वो बिल्डिंग एक न्यूक्लियर डोम था, यानी न्यूक्लियर हथियार से बचने के लिए बनाया गया एक बंकर। उस बिल्डिंग का भी लगभग 60% हिस्सा गिर चुका था, सिर्फ 40% हिस्सा बचा हुआ था और उसे आज भी हिरोशिमा में प्रिजर्व करके रखा गया है। आप आज भी उस बिल्डिंग को देख सकते हैं। और इत्तेफाक की बात देखिए कि आज 7 अगस्त है और जो बम गिराया गया था हिरोशिमा के ऊपर वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945, यानी आज से एक दिन पहले। और आज से ठीक 2 दिन के बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया गया था। केमिकल वेपन्स को भी हम इक्वली डेंजरस मान सकते हैं, हालाँकि केमिकल वेपन्स न्यूक्लियर वेपन्स की तरह बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ जीवित वस्तुओं को मारने में ही आता है, यानी केमिकल वेपन का इस्तेमाल एक कम्युनिटी में मौजूद हर इंसान को मार सकता है, वहीं उस कम्युनिटी में मौजूद हर एक लिविंग बींग जैसे जानवर, पशु, पक्षी, इन सब की जान ले सकता है। अब जानते हैं ये वेपन्स काम कैसे करते हैं। न्यूक्लियर वेपन के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजन। अगर आपके केमिस्ट्री टीचर ने अब तक नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, न्यूक्लियर फिजन में एक मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय किया जाता है जिससे 2 नए मॉलिक्यूल्स का जन्म होता है। अब जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ साथ एक एनर्जी भी रिलीज़ होता है, और यही वो एनर्जी है जिसके वजह से इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो पाता है जिसे दुनिया ने आज तक सिर्फ 2 ही बार देखा है। केमिकल वेपन्स एक तरह के पॉइजनस केमिकल्स होते हैं जो कि IEDs, मोर्टर्स और मिसाइल्स के इस्तेमाल से डिप्लॉय किए जाते हैं। इन एजेंट्स के द्वारा एक्सप्लोजन होता है जिसके वजह से ये सारे पॉइजनस केमिकल पूरे वातावरण में स्प्रेड कर जाते हैं। ये केमिकल्स इतने खतरनाक होते हैं कि अगर कोई इंसान इन्हें एक बार सूंघ भी ले तो उसकी जान जा सकती है। अब जानते हैं कि इन हथियारों का इफेक्ट कितने समय तक रहता है। न्यूक्लियर वेपन का इफेक्ट डेज, मंथ्स या ईयर्स नहीं बल्कि सेंचुरीज तक रह सकता है, यानी एक बार न्यूक्लियर बम गिर जाए तो वो सदियों तक अपना असर दिखाते रहती है, और ये असर पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहता है, और हर पीढ़ी में एक ना एक डिफॉर्मिटी सामने आ जाता है, यानी न्यूक्लियर रेडिएशन से इफेक्टेड परिवार में होने वाले बच्चे विकलांग पैदा होते हैं।
मिसाल के तौर पर आज भी हिरोशिमा में कई बच्चे हर साल विकलांग पैदा होते हैं। केमिकल वेपन का असर तब तक रहता है जब तक कि एटमॉस्फेयर में मौजूद सारे गैस पार्टिकल्स को हटा नहीं दिया जाता और पूरे एयर को क्लीन नहीं कर दिया जाता। हालांकि इसके बाद केमिकल वेपन का असर ख़त्म हो जाता है और ये न्यूक्लियर वेपन की तरह जनरेशन दर जनरेशन आगे नहीं बढ़ता रहता। कुछ बहुत ही फेमस केमिकल वेपन्स जिनका इस्तेमाल किया जाता रहा है वो हैं एंथ्रैक्स, सरीन गैस, क्लोरीन गैस और मस्टर्ड गैस। अब अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल सिर्फ दो ही बार किया गया है, वो भी वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, और दोनों ही जापान के अलग अलग शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए थे। अगर केमिकल वेपन्स की बात करें तो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर वन से ही किया जाता रहा है और आज तक केमिकल वेपन का इस्तेमाल रुका नहीं है। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा, कुछ दिनों पहले सीरिया के ऊपर केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया था और अमेरिका ने ये आरोप सीरिया के राष्ट्रपति बसत अल असर पर लगाया था कि उन्होंने ही अपने देश में केमिकल वेपन का इस्तेमाल करवाया है। अब जानते हैं किन किन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और किन किन देशों के पास केमिकल वेपन्स हैं। शुरुआत में सिर्फ दो कंट्रीज थी जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन को स्टॉकपाइल करना शुरू किया था, जो थे यूएसए और यूएसएसआर। देश जिन्होंने यूएसए और यूएसएसआर को फॉलो किया वो थे यूके, फ्रांस, चाइना। बाद में भारत ने इसे डेवलप किया और उसके बाद पाकिस्तान ने भी इसे डेवलप कर लिया। भारत के न्यूक्लियर बम बनाने के बाद पूरे दुनिया में खलबली मच गई थी और अमेरिका जैसे देश भारत को आड़े हाथों ले रहे थे। पूरे दुनिया भर से भारत को पॉलिटिकल बैलेंस बिगाड़ने के लिए ब्लेम किया जा रहा था और सबसे ज़्यादा ब्लेम अमेरिका की तरफ से आ रहा था, क्योंकि अमेरिका ही सबसे ज़्यादा चिढ़ा हुआ था भारत से। अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि कुछ गिने चुने देशों के अलावा और किसी भी देश के पास न्यूक्लियर हथियार पहुँचे। हालांकि भारत के बाद पाकिस्तान, इसराइल और नॉर्थ कोरिया ने भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा ब्लेम नहीं किया गया क्योंकि उनके हिस्से का अटेंशन भी भारत खा चुका था। क्योंकि भारत पूरे दुनिया में वो पहला डेवलपिंग कंट्री था या थर्ड वर्ल्ड कंट्री था जिसने किसी भी बड़े देश जैसे अमेरिका या फिर ब्रिटेन के मदद के बिना अपने दम पे न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया था। 80 के दशक में साउथ अफ्रीका ने भी न्यूक्लियर वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी, लेकिन वो दुनिया का वो पहला देश बना जिसने पब्लिकली अपने सारे न्यूक्लियर वेपन के स्टॉकपाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बात करते हैं केमिकल वेपन की। केमिकल वेपन को गरीब आदमी का न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश जिन्होंने केमिकल वेपन डेवलप कर लिया है और बड़े बड़े देशों को छोड़ दिया जाए तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई सारे छोटे देशों ने भी इस वेपन को डेवलप कर लिया है। और पूरी दुनिया में भारत और जर्मनी सिर्फ ऐसे दो ही कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने सारे केमिकल वेपनरी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यानी जर्मनी और भारत के पास आज के डेट में अपना कोई भी केमिकल हथियार नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हमारा देश ऐसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करने में भरोसा नहीं रखता है। अब आप में से ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि केमिकल वेपन को छोड़ने से क्या होता है, जबकि न्यूक्लियर वेपन केमिकल वेपन से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर भारत को छोड़ना ही है तो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल छोड़ना चाहिए। यहां आप लोगों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि न्यूक्लियर वेपन सिर्फ एक टैक्टिकल वेपन है, उसे इस्तेमाल करने के लिए नहीं रखा जाता है बल्कि अपने दुश्मन को डराने के लिए रखा जाता है। वहीं जहां एक तरफ कन्वेंशनल वेपन्स जैसे गोली, बम्स और मिसाइल्स दुश्मन सेना को काबू में रखने के लिए होते हैं ताकि दुश्मन देश हमारे देश के ऊपर कोई खतरा पैदा ना करे और हम शांति से रह सकें, पर केमिकल वेपन का सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो होता है लोगों की जान लेना। इस हथियार से आप कोई जंग नहीं जीत सकते, ना ही किसी दुश्मन सेना का कुछ बिगाड़ सकते हैं। इससे आप सिर्फ मासूम लोगों की जानें ले सकते हैं, इसीलिए इस हथियार का इस्तेमाल पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है और हर देश इसका विरोध करते हैं। अब कुछ केमिकल हथियार बहुत ही माइल्ड और लो लेवल के होते हैं, जैसे कि टीयर गैस और लाफ्टर गैस, जिसका इस्तेमाल अपने ही देश में किया जाता है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ या फिर किसी भीड़ को तितर बितर करने के लिए। आखिर में बात करें तो वजह चाहे जो भी हो, ये दोनों ही हथियार इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा यही होगा कि ये सारे देश इन हथियारों को सिर्फ दिखाने के मकसद से रखें, इनका इस्तेमाल कभी ना करें। लेकिन अब तक मैंने आपको जितना भी इन दोनों वेपन्स का कंपैरिजन बताया है, उस बिहाफ पे आपको क्या लगता है, न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स में से कौन ज़्यादा खतरनाक है, नीचे कमेंट में जा कर के ज़रूर लिखें। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने पोल भी डाला था अपने कम्युनिटी टैब में और वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था।
पर अभी वीडियो देखने के बाद इस मैटर के ऊपर पूरी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि नीचे जाकर के वापस से इस पोल में हिस्सा लें और इन दोनों वेपन्स में से कौन ज़्यादा खतरनाक है कमेंट में लिख के बताएं। और अगर आप अगले वीडियो में बायोलॉजिकल वेपन का भी कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। और फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कर दें और इसे अपने सारे व्हाट्सएप और फेसबुक के दोस्तों के साथ शेयर करें। और इंडिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस चैनल से जुड़ने के लिए नीचे जाके उस लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।